गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, जैसे कि आप सभी जानते हैं, मैं हूं शान सर और स्वागत करता हूं आप सभी का फेसबुक, यूट्यूब के कंप्यूटर के लाइव वीडियो कंप्यूटर क्लासेस के वीडियो क्लासेस में। और आप सभी स्टूडेंट जानते हैं कि मैं शान सर डेली बेसिस पे आप लोगों के बीच डिफरेंट टाइप्स के कोर्स लेकर उपस्थित रहता हूँ। तो इसी कड़ी में आज का जो हमारा क्लास है वो एमएस वर्ड का क्लास है, और एमएस वर्ड में हम बिगिनर के विषय में जानेंगे कि एमएस वर्ड को हम लोग हैंडल कैसे करते हैं। तो लेट स्टार्ट, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। आप जो भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो अपने स्क्रीन में देखें, और आप सभी छात्र से भी हमारा अनुरोध है कि स्क्रीन पे देखिए, मेरी बातों पे नहीं, है ना। तो सबसे पहले क्या करें हम लोग, डेस्कटॉप के ऊपर वर्ड है, वर्ड को हम लोग क्या कर रहे हैं, ओपन कर दे रहे हैं, देख रहे हैं ना, वर्ड आपका ओपन हो गया। मान लीजिए, अगर मान लीजिए मेरे नॉलेज में कोई टेक्स्ट मालूम नहीं है कि मुझे कौन सा टेक्स्ट लाना है, वो टेक्स्ट के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला एक इक्वल आर ए एंड रेंड ब्रैकेट ओपन क्लोज देंगे और प्रेस इंटर करेंगे, तो आपके बीच में क्या होगा, कुछ टेक्स्ट जो है उपस्थित हो जाएगा, ठीक है, दिखाई देगा आपको कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ। सबसे पहला तो हम जानेंगे कि आज जो टेक्स्ट मैंने लिखा है यहाँ पे, उस टेक्स्ट का फॉर्मेटिंग करना, कि हम फॉर्मेटिंग कैसे करेंगे। तो फॉर्मेटिंग करने के लिए सबसे पहले तो हमको जो टेक्स्ट है उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना होगा। ये जो राइट माउस का जो है लेफ्ट बटन को हम लोग क्या करेंगे, ड्रैग करते हुए नीचे की ओर खींचेंगे। जैसे ही हम लोग ड्रैग करके नीचे की ओर खींचते हैं तो क्या होता है, सेलेक्ट हो जाता है, आप सभी जानते हैं। दूसरा क्या है, कीबोर्ड से कंट्रोल ए, अगर कंट्रोल ए करते हैं तो भी सिलेक्ट हो जाता है। तो आज जो है सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, माउस का लेफ्ट बटन दबाकर हम लोग ड्रैग करके हम लोग क्या कर रहे हैं, सिलेक्ट कर रहे हैं। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे चाहिए, यहाँ पे देखेंगे, इसको हम लोग कहते हैं फॉर्मेट, है ना। तो ये फॉर्मेट के अंदर क्या है, फॉन्ट, फॉन्ट का है फॉर्मेटिंग टूल्स बार से उसको बाहर जाता है फॉर्मेटिंग। इसके अंदर हमारा क्या है, फॉन्ट फेस स्टाइल। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, जो हमारा लिखने का तरीका है, आप अगर माउस क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दिखाई देगा फॉन्ट, यहाँ पे लिखा हुआ चेंज द फॉन्ट फेस, यानी कि जो लिखने का जो तरीका होता है उसको हम लोग क्या करेंगे, चेंज कर सकते हैं। देखिए जो दिख रहा है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। दिख रहा है कुछ चेंज हो रहा है, लिखने का जो तरीका चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से क्लिक करके अपने अकॉर्डिंग आप चूज कर सकते हैं फॉन्ट, और उस फॉन्ट को आप रख सकते हैं, देख रहे हैं ना। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से साइज ले सकते हैं, मिनिमम 8 और मैक्सिमम 72। आप कम से कम क्या कर सकते हैं, 8 ले सकते हैं, मैक्सिमम 72 ले सकते हैं। और आप चाहते हैं कि नहीं 72 से भी अधिक हो, तो इसके लिए यहाँ पे फॉन्ट है जिसको हम लोग ग्रो फॉन्ट के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं, ग्रो फॉन्ट का। ग्रो फॉन्ट में आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके अकॉर्डिंग जितना आप साइज लेना चाहते हैं साइज ले सकते हैं, अन्यथा यहाँ पे आप टाइप भी करके लिख सकते हैं कि हमको कितना चाहिए, है ना, 500 तो 500 हो जाएगा। और हम फिर से, हम यहाँ पे अगर रखना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग, तो अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं 20, ये 20 पे हमारा साइज है। और यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं स्ट्रिंग फॉन्ट, यानी कि यहाँ पे क्लिक करने के बाद हम क्या कर सकते हैं, स्मॉल कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, यहाँ से हम बड़ा कर सकते हैं और यहाँ से छोटा कर सकते हैं। और इसके बाद ये जो देख रहे हैं बगल में, जिसको हम लोग बोलते हैं क्लियर फॉर्मेटिंग। क्लियर फॉर्मेटिंग में क्या होता है, क्लियर ऑल द फॉर्मेटिंग फॉन्ट द सिलेक्टेड लिविंग ओनली द प्लेन टेक्स्ट। आप लिविंग कर दीजिए, जितने भी आप जो भी चीज साइज वाइज लिए, जो भी चीज लिए उसको क्या करते हैं, लिव कर दीजिए, वहां से हटा दीजिए, यानी क्लियर कर दीजिए। जैसे मेरा नॉर्मल पहले था वैसा हो जाएगा, पहले की तरह हो जाएगा, क्लियर, समझ में आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे देखिए बोल्ड, बी से क्या होता है बोल्ड, थोड़ा मोटा हो जा रहा है, आई से इटालिक, यू से अंडरलाइन। अब हम क्या कर सकते हैं, जैसे हम लाए हैं क्लिक कर करके वैसे हम क्या कर सकते हैं, इसको रिमूव भी कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ से हमको ये टेक्स्ट को पढ़ना नहीं है, इसको क्या करना, डिलीट भी नहीं करना, हटाना भी नहीं है, मगर इसको पढ़ना भी नहीं है, तो हम यहाँ से स्ट्रिक फॉन्ट पे क्लिक कर देंगे, यानी कि हम लोग जानेंगे कि ये वर्ड जो है कटिंग है, कटा हुआ है, यानी कि गलत है। तो आप इसको कर सकते हैं, फिर यहाँ इसको हटा सकते हैं यहाँ पे क्लिक करके, राइट। अब देखिए समझने वाली बात है कि सबसे पहले हमने क्या लिखा, अलीशा फाउंडेशन, मैंने क्या लिखा, अलीशा फाउंडेशन। ये जो अलीशा फाउंडेशन मैंने लिखा, ये आप देख रहे हैं कि इसका टेक्स्ट क्या है, फॉर्मेट स्टाइल क्या है, इसका कैपिटल है। आप चाहते हैं कि हम इसका फॉन्ट स्टाइल जो है, लिखने का तरीका जो चेंज कर सकते हैं, तो अलीशा फाउंडेशन को सिलेक्ट कीजिए। आप सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे चेंज कैसे, चेंज कैसे सेंटेंस के, सेंटेंस के इसमें क्या हो गया कि अलीशा का जो पहला वर्ड था कैपिटल है, बाकी बस सारा स्मॉल है। उसके बाद आप क्या कर, लोअर केस में आ जाइए, लोअर में सारा छोटा हो जा रहा है, अपर केस में क्या हो रहा है, सब बड़ा हो जा रहा है,
कैपिटलाइज इच वर्ड का मतलब अलीसा का ये बड़ा फाउंडेशन का एफ बड़ा हो रहा है, ठीक है। और टूगल केस में जस्ट लाइक ऑपोजिट ऑफ कैपिटलाइज इच वर्ड, जैसे कि जो वर्ड छोटा था वो बड़ा हो जाएगा, जो बड़ा था वो छोटा हो जाएगा, किस में चेंज केस में। हम फिर से हम क्या कर रहे हैं कैपिटल में कर दे रहे हैं, और यहाँ पे देखिए इससे हमारा क्या होता है हाईलाइट कलर होता है, पीछे का जो कलर होता है वो हाईलाइट हो जा रहा है, देख रहे हैं ना, ये पीछे का हाईलाइट कलर होता है। और यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से फॉन्ट कलर को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। हाईलाइट का मतलब होता है पीछे का बैकग्राउंड कलर, टेक्स्ट के बैकग्राउंड के अंदर यहाँ पे हाईलाइट कलर है, यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, देख रहे हैं ना, जो भी कलर आप चेंज कर सकते हैं। और यहाँ से आप फॉन्ट कलर भी चेंज कर सकते हैं, जो भी आपको रिकॉर्डिंग आपको लेना है, जिस भी लेना है। आप इसको कैसे हटाएंगे, जहां से आप जो लिए हैं उसको क्या कर दीजिए, ऑटोमेटिक कर दीजिए, यहाँ से क्या कर दीजिए नो कलर कर दीजिए, तो ये हट जाएगा। बाकी बात नॉर्मल फॉन्ट करना है तो सेलेक्ट करने के बाद हम लोग जानते हैं कि क्लियर फॉर्मेटिंग में करेंगे तो नॉर्मल हो जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा समझिए कि सेलेक्ट करने के बाद अगर हम चाहते हैं कि हमारा यहाँ से बुलेट्स आए तो बुलेट्स आ रहा है, देख रहे हैं ना, टेक्स्ट के अंदर सामने में जो हम लोग एक अल्फाबेट नंबर देते हैं बुलेट देते हैं कि हाँ कितने पैराग्राफ, ये कितने पैराग्राफ में है, तीन पैराग्राफ में। हम यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं बुलेट का स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, आप जो रिकॉर्डिंग का बुलेट देना चाहते हैं वैसा बुलेट आपका बीच में आ जाएगा, देख रहे हैं ना, ये सारी चीज चेंज हो रही है, देख रहे हैं ना आप, ठीक है। आप चाहते कि नहीं हम बुलेट्स नहीं दे नंबर दे, नंबर भी आ जाएगा आपका, नंबर में अगर चाहते हैं क्या चीज कि रोमन में दे रोमन भी आ जाएगा, आप नंबर में क्या चाहते हैं कि हमारा जो है ABCD हो तो ABCD भी आ सकता है। इसको आप हटा भी सकते हैं क्या करके, यहाँ से नन करके, क्या करके नन करके हटा सकते हैं, राइट। उसके बाद देखिए ये अलीसा जो फाउंडेशन है इसको क्या कर सकते हैं असेंडिंग कर सकते हैं डिसेंडिंग, यानी कि ये हम लोग क्या कर सकते हैं इसको पेज की अक्रोडिंग बढ़ा सकते हैं और पेज की अक्रोडिंग घटा सकते हैं। अब मान लीजिए ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है टेक्स्ट में कितने इंटर है, पैराग्राफ कितने बार चेंज हुआ है वो देखना है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे मार्क, जिसको बोलते हैं सो हाइड मार्क, इसमें क्लिक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे कितने इंटर है और कितने पैराग्राफ चेंज हुआ, तो दिख रहा है 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हट जाएगा, राइट। अब देखिए ये अलीसा फाउंडेशन है, इस अलीसा फाउंडेशन को हम सेंटर में रखना चाहते हैं बीच में पेज का, ये जो देख रहे हैं ना इसे क्या कहते हैं पेज कहते हैं, तो बीच में रखना है, तो यहाँ पे आप क्लिक कीजिए बीच में आ गया, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो राइट में आ गया, यहाँ क्लिक करेंगे तो लेफ्ट में आ गया, ठीक है। अब थोड़ी सी बात है देखिए कि ये जो टेक्स्ट है ये टेक्स्ट को देखिए आप गौर से कि लेफ्ट साइड में सब इक्वल है मगर राइट साइड में इक्वल नहीं है। अगर हमको इक्वल लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड करना है तो यहाँ पे देखिए जस्टिफाई है, क्या है जस्टिफाई है, जस्टिफाई पे आप क्लिक कीजिए तो क्या होगा आपका लेफ्ट एंड राइट दोनों इक्वल हो जाएगा, क्या हो जाएगा लेफ्ट एंड राइट इक्वल हो जाएगा। आप यहाँ से स्पेसिंग कर सकते हैं, स्पेसिंग यानी कि एक दूसरे के बीच के स्पेसिंग को आप बढ़ा सकते हैं और घटा भी सकते हैं, क्या कर सकते हैं बढ़ा सकते हैं और घटा भी सकते हैं, नॉर्मल तो हम लोग इतना में रख सकते हैं, राइट। अब हम चाहते हैं कि ये जो टेक्स्ट है टेक्स्ट के बीच में ये जो जितने भी टेक्स्ट है उसमें कलर हो, इसको हम लोग एक कलर लेते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं शेडिंग कलर, क्या बोलते हैं शेडिंग कलर, ये देखिए शेडिंग कलर हो गया। ये शेडिंग कलर में क्या है कि जो हाईलाइट कलर था तो सिर्फ टेक्स्ट पे आता था ना, मैं शेडिंग कलर की एंड एंड आउट यानी कि एंड एज और एंड लास्ट एज यानी कि लेफ्ट से राइट तक जो इक्वल हो जाएगा और जितना टेक्स्ट होगा सब में शेडिंग हो जाएगा। अब ये शेडिंग कलर को क्या कर सकते हैं आप रिमूव भी कर सकते हैं, यहाँ से आकर आप क्या कर सकते हैं नो कलर में डाल सकते हैं, रिमूव हो गया। अब हम चाहते हैं कि इस जो टेक्स्ट लिखा है इसको बॉर्डर पे ले तो आप बॉर्डर पे भी ले सकते हो, ऑल बॉर्डर करके यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये बॉर्डर पे ले सकते हैं, इस बॉर्डर को क्या कर सकते हैं हम लोग रिमूव भी कर सकते हैं, ये बॉर्डर को क्या कर सकते हैं रिमूव भी कर सकते हैं नो बॉर्डर करके। तो ये सारी क्लासेस जो आज हुई है फॉन्ट एंड पैराग्राफ के विषय में आपको करना है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आप मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और इससे ज़्यादा मैं क्या कह सकता हूं, खुश रहे आप, आपका परिवार, दुआ में याद रखिए, आपका सांसद, जय हिंद जय भारत, नमस्कार।